अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं ज़ीरा राइस की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बासमती राइस ले रही हूँ 2 मग मिल्क मेड कैन से मेजरमेंट। मिल्क मेड कैन मेरा 400 ग्राम का है। टोटल मैंने 2 मग ऐड कर लिए है बासमती राइस। इसको हमने क्लीन वाटर से वॉश कर लिया है और इसे एक साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर एक वेजल ले लिया, इसका चूल्हा ऑन करेंगे, फ्लेम हाई पे है और इसके ऊपर एक लिड क्लोज कर देंगे। चलिए उबाल आ रहा है, हमने चावल को भी अच्छी तरह वॉश करके सोख कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 2 टेबल स्पून। हमें सॉल्ट अभी ऐड करना है, बाद में ऐड नहीं करना है। चलिए सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हम इसका लिड क्लोज करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा क्लोज करेंगे। चलिए अच्छी तरह पक चुका है हमारा चावल, तो इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे स्ट्रेन कर लिया मैंने पानी को, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको बघार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन लिया, इसका फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 1/3 कप। चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून ज़ीरा। हम इसे हल्का सा शेक करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 ग्रीन चिली, जिसको मैंने हाफ कट कर लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा हाई फ्लेम पे है। मैंने यहाँ पर हाफ एंड करी लीव्स लिया, इसको हम अच्छी तरह वॉश कर लिए थे, इसको ऐड करेंगे। फ्लेम हमारा बंद कर दिया है हमने। चलिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसे राइस में ऐड करेंगे। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसको हम डिश आउट करेंगे। तो देखा आपने कैसा जबरदस्त जीरा राइस बनकर तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।